नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2018 की। ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेवल वन कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। जो हम पूरी खबर बताएं, उससे पहले अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि हम कोई लेटेस्ट अपडेट डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। तो चलिए, हम बात करने वाले हैं रीट लेवल वन की नियुक्ति के बारे में। एक अच्छी खबर आ रही है रीट लेवल वन के कैंडिडेट्स के लिए। तो उपेन यादव जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये जो है बहुत गुड न्यूज़ जो है शेयर की है सभी के साथ। रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम का फैसला 8 अक्टूबर को होगा ओपन। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो रीट लेवल का फैसला है वो 8 अक्टूबर को फिर से ओपन किया जाएगा। दोस्तों, 100% चयनित बेरोजगारों की होगी हाई कोर्ट से जीत। यदि 1% फैसला हमारे खिलाफ आता है तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। डबल बेंच में स्टे लेकर चयनित अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द मिलेगी नियुक्ति। तो अगर 1% भी फैसला, उपेन यादव जी का कहना है कि अगर 1% भी जो फैसला है अगर हमारे खिलाफ आता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डबल बेंच पर स्टे लेकर अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द नियुक्ति होगी, तो ये एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। ये गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो जो कैंडिडेट थे वो धरना करके बैठे हुए थे और दूसरी तरफ जो है आचार संहिता भी कल लग चुकी है, तो उसके कारण जो है बहुत ही कैंडिडेट्स चिंता में आ गए थे कि क्या पता अब क्या होगा, आगे नियुक्ति होगी भी या नहीं। तो उपेन यादव जी ने ये एक ट्वीट करके एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो है सभी को दी है कि जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द होगी और जो फैसला है वो 8 अक्टूबर को फिर से ओपन किया जाएगा। तो ऐसे ही अगर रीट लेवल वन की नियुक्ति हो गई तो फिर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर लेवल वन का नियुक्ति हो गई तो लेवल टू की भी जो है नियुक्ति होने के साथ साथ उनकी जो वेटिंग लिस्ट है उसके भी आने के अब चांसेस बढ़ गए हैं कि वेटिंग लिस्ट भी अब आ सकती है, क्योंकि आचार संहिता लगने से जो है थोड़ी सी चिंता का माहौल हो गया था कि वेटिंग लिस्ट जो है आएगी भी या नहीं आएगी। तो अब यही माना जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट भी आने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है सभी के लिए, और जो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसे अगर लेवल वन का केस रीओपन करके फैसला फिर से 8 अक्टूबर को ओपन किया जा रहा है तो इसका मतलब 9 अक्टूबर को साइंस मैथ वालों का जो फैसला है तो उसमें भी अच्छी खबर आ सकती है। ये भी एक जो अच्छी खबर है, ये उपेन यादव जी ने जो है ट्वीट करके बहुत बड़ी खुशखबरी दी है राजस्थान बेरोजगार एकत्रित संघ महासंघ की। तो ऐसे ही अगर लेवल वन की जो नियुक्ति हो गई तो फिर वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। तो ऐसे ही हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है लेटेस्ट अपडेट ये जो आई है मिल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि हम कोई लेटेस्ट अपडेट दें तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, आप आसानी से हमारी वीडियो को देख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।